मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरे डेली ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो कैसे हो आप सब? मैं भी ठीक हूँ। आज 14 तारीख है, कहने को तो आज ही मकर संक्रांति होता है, लेकिन हम लोगों के यहाँ आज नहीं हो रहा है, तो इस वजह से, पर काम तो हो जाता है ना फेस्टिवल सीजन में, तो आज हम लोग के यहाँ नहीं हो रहा है। तो साफ़ सफाई चल रही है घर में, अभी मैंने खाना वाना बनाया है, सुबह उठ के चाय पीने के बाद कपड़े धुले हैं, सब बच्चों को खाना खिलाया है। कल होंगे हमारे यहाँ, देखो यहाँ पे बारबी क्या कर रही है, क्या कर रही है बारबी? हाँ, तो कितना देर से खा रही हो? कब का खाना देते हैं? जल्दी से खाती नहीं हो। मैं भी ऐसे रह जाती हूँ कि तुम लोग खा लोगे तो बर्तन वर्तन धो के रख देंगे ना, खा लिया करो जल्दी। कल देखो फेस्टिवल है तो कपड़ा धोना है, जैकेट दे देना अपना धोने के लिए, गंदा हो गया है, ठंडा भी तो बहुत है बेटा, तो ठंड में फुल कपड़े तो चाहिए। कल नहा धो के सबको रेडी होना होगा, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये हमारा बाहर का एरिया है और यहाँ पे मैंने मशीन लगाए हैं, तो आप ये देख सकते हो, कहीं बगल में पूजा हो रहा है जिसका आवाज़ जो है, ये देखो मैं इसमें कपड़े धो रही होती हूँ। ये देखो यहाँ पे ही बिजली का पॉइंट है, तो यहाँ पे ही मैं लगाई हूँ क्योंकि अंदर कहीं जगह नहीं है वॉशिंग मशीन के लिए। ये हमारा आंगन है, तो बाहर कहीं पूजा हो रहा है तो मैंने कपड़े धोए, कुछ कपड़े सुखाए हैं, अभी कुछ कपड़े नहीं सूखे हैं, सूखेंगे भी क्या, जो नया साल आया है 1 तारीख से धूप ही नहीं है सही से, घर के अंदर तो काफ़ी अंधेरा रहता है, लाइट जलाऊंगी दिन में तो दिखता है, क्योंकि वेदर भी ख़राब है ना, तो इस वजह से ये है हमारा घर का व्लॉग। अभी सारा काम पड़ा हुआ है, कल तो फेस्टिवल है, फेस्टिवल में जो हर फेस्टिवल में काम और छोटा घर होता है तो उलझ भी जाता है बहुत, तो मैं यहाँ पे तो सारा काम खाना वाना तो करके लोगों को खाना खिला दी हूँ, अब बचा है थोड़ा कुछ बर्तन है उसको वॉश कर ले। किसका कॉल आ रहा है? इनका कॉल आ रहा है, पापा का कॉल आ रहा है, बारबी पापा का कॉल आ रहा है, तुम खा लो जल्दी, खा लो जल्दी से, प्लेट रख दो बेटा खा के। ठीक है, मेरे ऐसे ही ब्लॉग में बने रहिए आप सब, मैं कॉल ले लेती हूँ फिर मैं कंटिन्यू करती हूँ। थैंक यू। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। तो कल है मकर संक्रांति और आज है 14th, तो कल की तैयारी तो मेरी हो चुकी है, तो फिलहाल मैंने कल ही मैंने मतलब तैयारी तो कर ली थी, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाला एक, इसमें मैंने धागा भरवा लिया था, फिर इस वाले में भी, फिर एक ये, आज भी मैंने पतंग उड़ाया था, जितने भी पतंग के धागे मैंने लूटे थे वो सारा धागे इसमें लपेटा हुआ है। ये कुछ पतंग है, इसमें से कुछ कट भी गए और कुछ आए भी। आज तो लगभग लॉस में चल रहे थे हम लोग, 3 पतंग हम लोग के कट गए, 3 पतंग मैं बताता हूँ, 3 पतंग हम लोग के कट गए और हम लोगों ने 3 पतंग लूटा था, तो मैंने और मेरे फ्रेंड ने हाफ ऑफ कर लिया। फिर उसके बाद आज तो मैं लॉस में हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय डेली ब्लॉग। तो मैं वहाँ पे कॉल आ गया था, तो मैं कॉल लेने के बाद थोड़ा सा काम था, कुछ काम कर लेने के बाद मैं भी रेस्ट कर रही हूँ। तो देखो ये सब क्या कर रहे हैं यहाँ पे, देखो ये लोग की पतंगबाजी हो रही थी, हो गया पतंग उड़ाना कंप्लीट? हाँ, पतंग कटा भी? हाँ, 3 पतंग। किसका 3 पतंग? तुम्हारा? हाँ। तुम्हारा 3 पतंग कट गया? हाँ, सुबह तो हम ही लोग सबका काट रहे थे, लेकिन फिर आज अभी कोई और काटती है, पीछे से पता नहीं कौन तो आया था उसका, वही काट। और बार भी पतंग उड़ाई? हाँ, ये भी उड़ाई। रात में उल्टी इतना कर रही थी,
ठंड लग गया होगा। 2-2.5 बजे रात तक मैं जगी थी क्योंकि पूरा उल्टी कर रही है। जैकेट पहनने बोली थी कल तो नहीं पहनी, ठंडा ज़्यादा है बिहार में अभी। बस पूरा उल्टी, जो भी खाना खाई थी सारा उल्टी करने के बाद दवाई दी तो सर दर्द इसका ठीक हुआ। उसके बाद फिर सोई तो फिर रात भर नींद सही से नहीं आया। पता नहीं कब उठ के बोलेगी मम्मा उल्टी, क्या बात हुई। तो अभी ठीक है, अभी ठीक हो, अभी नहीं लग रहा है किस तरह से। सुबह से जो पानी में मेरा काम हो रहा था ना, कपड़ा धुलना ये करना, तो सिर में दर्द जैसा हमको लगने लग गया पूरा। तो अभी चश्मा लगा के आ गए कि कहीं दर्द तेज ना हो जाए पूरा, एकदम पानी पानी एकदम पूरा हाथ ठंडा लग रहा है। लग रहा है ना इस तरह से तुम्हारा हाथ, कल रात को पैर ना तुम्हारा एकदम पानी से भी ज़्यादा ठंडा लग रहा था पैर तुम्हारा। हम सोचे क्यों ज़्यादा ठंडा तो नहीं लग गया, तुमको टेंशन हो रहा था रात भर कि क्यों इतना ठंडा है इसका पैर। फिर पूरा पैर को कंबल के अंदर डाल के उसको दबा के रखे तो फिर नॉर्मल हुआ। क्या कर रहा है वीर? कुछ नहीं, यूट्यूब वीडियो देख रहा था। ओ खाना खाई है 1 घंटे में, पूरा 1 घंटा। जैकेट भी दी नहीं, जैकेट धुलने के लिए रह गया। तो तुम रेड वाला स्वेटर पहन लेना कल, इसको कल धुल देंगे। अब हम आज नहीं धोने का काम करेंगे, अब आज नहीं। ये इतना ही छोटा है, इससे नीचे नहीं आता है। हम इसको खींच रहे कि ये सिकुड़ा हुआ है इसके नीचे। तो गाइस ये बारबी है, ये जो है ना इसको बहुत चीजों में दिक्कत होता है। इसे खाना दे दोगे खाने खुद से तो वो भी ये खा नहीं पाती है, उसको खाना खिलाना होता है। खाना भाग क्यों रही हो? अगर खाना खाने के लिए खुद बैठी ना तो जो खाना अभी खाना है ना वो 3 घंटे बाद खाती है। ऐसी है बारबी, 10 ईयर की हो गई है फिर भी ये हाल है ये। और तबीयत खराब कर लेना है और खुद परेशान होना है और मम्मा को भी परेशान करना है, ये है। तो आज के ब्लॉग में इतना ही, कल देखते हैं फेस्टिवल पे, मैं दिखाऊंगी हमारे यहाँ क्या क्या होता है, क्या खास होता है। खास तो कुछ नहीं, जनरली सबके यहाँ वही होता है, दही चूड़ा। पता नहीं सब कहाँ कहाँ के क्या क्या बोला जाता है, मतलब हम लोग के बिहार में तो चूड़ा बोलते हैं, बहुत जगह उसको पोहा बोलते हैं, तो हम लोग यहाँ चूड़ा दही बोलता है, इसमें चूड़ा दही खाया जाता है। तो मिलते हैं कल फेस्टिवल पे दही चूड़ा के ओकेजन में। तो बाय, बने रहिए हमारे से व्लॉग में। थैंक यू।